Yo, what's up? Hello guys, what's up? Welcome back to my channel Clash with Aways, जहाँ मैं आपको सिखाता हूँ Clash of Clans की strategies, जो आपको easily 3 star दिला सके home base and builder base दोनों में. Yo guys, तो जैसे कि आपको पता है हमारा CWL series चल रहा है. CWL के 6 days हम already live कर चुके हैं आपके साथ. उम्मीद है आपने देखा होगा, आपको पसंद आया होगा. तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के डे 7 की तरफ. देखिए डे 7 की ओर एक क्लैन, वैसे तो आपको ऊपर से इजी दिखेगा लेकिन नीचे से हार्ड है, क्योंकि इसका टॉप ऑर्डर भले ही कमजोर हो लेकिन मिडल ऑर्डर बहुत ही खतरनाक है. देखिए ऑलमोस्ट सारे TH 11 है और हमारे TH 9, TH 10, सो TH 9 और TH 10 वर्सेस TH 11 अटैक्स हो गया है और यहाँ पर TH 9 वर्सेस TH 10 अटैक्स, इसलिए नीचे से वॉर हार्ड है लेकिन ऊपर से ईजी है. चलिए ऊपर के अटैक्स शुरू हो चुके, ऊपर के अटैक्स एक्सपेक्टेड करना शुरू करते हम. इलेक्ट्रो से पहले फनल क्रिएट किया और अब चालू कर दिए बलून्स और फिर ड्रैगन्स. अब सारे ड्रैगन्स इवेंचुअली सेंटर के पास पहुंच चुके हैं. टीएच एक्टिव हो चुका है, थोड़ी देर बाद वार्डन एबिलिटी यूज करनी है. परफेक्ट टाइमिंग पे वार्डन एबिलिटी यूज किया है. और इसी के साथ अटैक हो चुका है 3 स्टार. चलिए 3 स्टार हो चुका है, धीरे धीरे स्टार्स बढ़ाने का ट्राई करते हैं. देखिए ऊपर में वो लोग 3 स्टार नहीं कर पाए लेकिन नीचे देखिए मिडिल ऑर्डर जैसे ही उनका मैंने बोला था तगड़ा है, तो नीचे आपको सारे ऑलमोस्ट 3 स्टार ही दिखेंगे क्योंकि उनके लिए TH 11 वर्सेस TH 9 अटैक्स है, इसलिए उनके लिए अटैक ईजी है. तो चलिए गाइस, पहला लाइव अटैक हो चुका है कम्प्लीट. 3 स्टार मिला है. अब मैं अपने TH 14 स्वेश आईडी से अटैक करने जाता हूँ नंबर 1 पर. चलिए स्विच करते हैं आईडी. देखिए आर्मी रेडी है, ड्रैगन टैप आर्मी जो मैं रोज यूज करता हूँ. चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं अटैक की तरफ. तो देखिए ये बेस है, दो एक इन्फर्नो मल्टी इन्फर्नो और 2 सिंगल है. यहाँ पर देखिए ये डैमेज एरिया, इसके साथ एयर डिफेंस के साथ आर्चर टावर, मोर्टार और विजर टावर तीनों जाएंगे. यहाँ पर भी सेम होगा और यहाँ पर भी सेम. चलिए बढ़ते हैं अपने लाइव अटैक की तरफ. लेट्स रोल ऑन फॉर द अटैक. देखिए एस्प्लेंड पहला हो गया है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये लास्ट. देखिए एस्प्लेंड हमने जो किया था वो, और अब यहाँ से सारे ट्रूप्स डालते हैं. पहले थोड़ा फनल क्रिएट कर लेते हैं. चलिए बाकी के सारे ट्रूप्स डाल देते हैं. सारे हीरोज डाल देते स्टोन स्लैमर और बाकी के सारे हीरोज. तो देखिए अब एकदम जैसे कि फनल क्रिएट हो चुका है, तो अब ये लोग पहुंचेंगे सेंटर की तरफ. फ्रीज यूज कर लेते हैं यहाँ पर.
देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया फनल क्रिएट हो गया है। मोस्ट ऑफ द ड्रैगन जो है वो सेंटर में ही पहुंचे। वार्डन एबिलिटी कर लिए यूज। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी भी कर लिए यूज। देखिए इजी थ्री स्टार अटैक था ये तो। मेन प्रॉब्लम जो आएगी वो नीचे के बेसिस में अटैक करने में आएगी। चलिए गाइस इसी के साथ हमारा अटैक हो चुका है थ्री स्टार नंबर वन के ऊपर। नंबर वन नंबर टू दोनों थ्री स्टार हो चुके हैं। मेन प्रॉब्लम अब आएगी नीचे अटैक करने के ऊपर। तो हम नीचे वाले अटैक शुरू करेंगे। देखिए TS9 वर्सेस TS10 अटैक्स, TS10 वर्सेस TH11 अटैक्स देख सकते हैं आप। इसलिए हमारे प्लेयर्स के लिए हार्ड हो रहा है ये। चलिए अब जैसे कि वॉर एंड हो चुका है तो अब मैं लूट के लिए आर्मी रेडी कर लेता हूँ। सारे स्निकी गॉब्लिन्स बचे हुए, दो आर्चर्स, आठ अर्थक्वेक्स, रेज और हेस्ट। अर्थक्वेक्स तो वॉल तोड़ने के लिए। चलिए दूसरा अटैक शुरू हो चुका है। ये भी देखिए TH10 वर्सेस TH11 अटैक होगा। ये गोबो बीच अटैक कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए दोनों इन्फर्नोस डाउन हो चुके हैं। और ये फनल हो चुका है क्रिएट। टॉप डाल दिए सारे हीरोज। देखिए सेंटर एकदम सेंटर की तरफ जा रहे हैं। ये होता है एक बढ़िया फनल क्रिएट। और वे भी क्लियर हो चुका है लॉग लॉन्चर की वजह से। यहाँ पर देखिए TH10 है इसलिए लॉग लॉन्चर लेवल 3 का ही मिलेगा। और ये अब इसमें से लॉग लॉन्चर में से निकल चुके हैं हॉग राइडर जो कि लेवल 9 के मिलेंगे, क्योंकि TH10 प्लेयर है तो TH12 के लेवल के ट्रूप्स मिलेंगे यहाँ पर। सो देखिए बॉलर्स गोलम के साथ पहुंच गए सेंटर में और वहां पर हॉग राइडर्स भी है। तो गोलम की वजह से बॉलर्स को जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो दोनों हिडन टेस्टर डाउन हो चुके। ऑसम अटैक गाइस, दिस वाज द बेस्ट अटैक। TH10 वर्सेस TH11 अटैक यहाँ पर थ्री स्टार होता हुआ गाइस, अनबिलीवेबल अटैक। देख सकते हैं आप कितने हार्ड अटैक्स कर रहे हैं यहाँ पर हमारे क्लैन मेंबर्स। TH10 वर्सेस TH11 अटैक, ये देखिए स्वैग फ्री स्पेल और स्वैग क्वीन एबिलिटी के साथ ये अटैक एक शानदार तरीके से थ्री स्टार होता हुआ। TH10 वर्सेस TH11 अटैक 2-3 स्टार गाइस। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी आईडी की तरफ। अब TH9 आईडीज का टाइम हो चुका है। सो यहाँ पर भी करने TH9 वर्सेस TH10 अटैक्स फिर से। देखिए आर्मी रेडी है लेकिन इस बार बूस्ट करना पड़ेगा तो हम बूस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मिरर पर अटैक करना है नंबर 25 के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं TH9 वर्सेस TH10 अटैक की तरफ। यहाँ पर क्वीन है और यहाँ पर जो है मल्टी इन्फर्नो है। तो यहाँ पर हम क्वीन डालते हैं और यहाँ पर विचिस। चलिए बढ़ते हैं अटैक की तरफ। तो देखिए एस्प्लेंड हमने अटैक शुरू कर दिया है। बस अब क्वीन भटकनी नहीं चाहिए।
और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वॉल्स टूट चुकी है, फनल हो चुका है, क्रिएट डाल देंगे बाकी के सारे ट्रूप्स। और यहाँ पर देखिए जंप स्पेल डाल दिया है, तो यहाँ पर डाल देंगे जंप और हील और रेज। क्वीन एबिलिटी यहाँ पर यूज हो चुकी है, पॉइजन सीसी में कुछ है नहीं तो हम बार्बियन किंग के ऊपर पॉइजन डाल देते, और फ्रीज जो है वह सिंगल इन्फर्नो के लिए बचा के रखना है। देखिए अब यहाँ पर ट्रूप सेंटर में पहुँच चुके हैं तो उनको हील दे दिया है, कर देंगे फ्रीज। बार्बियन किंग रह गया, शिट। चलिए फिर भी देखते हैं हमारे ट्रूप्स थ्री स्टार कर पाते या नहीं। यहाँ पर सारे विचिस एंड स्केलेटन्स बचे और उनके साथ है हीलर्स। बस एक मोर्टार डाउन हो जाए तो इतना टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि स्केलेटन्स फिर आराम से विचिस को प्रोटेक्ट कर लेंगे। कमॉन कमॉन, मोर्टार डाउन हो जाए तो इतना टेंशन नहीं रहेगा गाइस, यहाँ पर टाइम भी जा रहा है। ट्वेल्व सेकंड यहाँ पर बचे हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। ओ नो गाइस, ये अटैक हमारा टाइम फेल हो चुका है 99% पर, बहुत ही बुरा लग रहा है यहाँ पर। सिर्फ एक बार्बियन किंग बच जाता तो आर्चर क्वीन थोड़ी देर और जिंदा रह पाती, उससे कि हमारा अटैक फेल नहीं हो पाता। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते दूसरी आईडी की तरफ। यहाँ पर देखिए आर्मी रेडी है, तो सिर्फ यहाँ पर हीरो बूस्ट की जरूरत है। तो चलिए गाइस अब बढ़ते दूसरी आईडी की तरफ। यहाँ पर मैंने बूस्ट कर लिया हीरोज को, यहाँ पर भी सेम TH9 वर्सेस TH10 अटैक है, मिरर पर करना है नंबर 22 पर। चलिए बढ़ते अटैक की तरफ। ओह ये बेस तो गाइस काफ़ी तगड़ा है, चलिए फिर भी हम ट्राई करते अटैक का। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अटैक किस तरफ से करें, हर तरफ ट्रैप है। चलिए जो होगा देखा जाएगा, अटैक की तरफ बढ़ते। यहाँ पर ट्रूप्स को हील दे देते
और यहाँ पर डाल देंगे जंप स्पेल, और सीसी एम्प्टी है तो हम बार्बियन किंग पर पॉइजन डाल देते। यहाँ पर भी ट्रूप्स को हील की जरूरत है क्योंकि मल्टी इन्फर्नो है। और इसी के साथ गाइस टीएच हो चुका है डाउन, 50% डैमेज भी हमें ऑलमोस्ट मिलने वाला है। गोलम जो है वो एक गोलम और वाइब्रेंट किंग एक इन्फर्नो की तरफ बढ़ चुके। चलिए एक इन्फर्नो डाउन हो चुका है, बचा है सिर्फ एक इन्फर्नो जो प्रॉब्लम दे सकता है। तो गाइस यहाँ पर 67% डैमेज मिला है, हमें डैमेज दिया है। और अब बच्चा इसी वे गोलम तो वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा, तो हम अटैक एंड करते हैं। यहाँ पर 2 स्टार के साथ 67% डैमेज मिला है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आईडी की तरफ। अब लास्ट आईडी का अटैक बचा है एक, वो भी TH9 वर्सेस TH10 अटैक है। तो यहाँ पर तो दोनों बूस्ट लगेंगे, तो दोनों बूस्ट कर लेते हैं। और क्योंकि सीसी में पॉइजन, सीसी में कुछ है नहीं, तो पॉइजन की जगह यहाँ पर फ्रीज ले लेते हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। चलिए फ्रीज डोनेट कर दिए, बढ़ते अटैक की तरफ। गलत आईडी पर क्लिक हो गया जल्दी जल्दी में। चलिए बढ़ते TH9 आईडी, लास्ट आईडी जो बची है। अब एक 3 स्टार अटैक का अटेम्प्ट करना है यहाँ पर। लेट्स रोल आउट फॉर द अटैक गाइस। मेरा मिरर देखिए कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, अटैक हो चुका है। तो अब यहाँ पर एक बचा है, इस पर अटैक करते हैं ट्राई 3 स्टार अटैक। चलिए यहाँ पर मल्टी इन्फर्नो है, तो यहाँ पर हम डालेंगे आर्चर क्वीन, और यहाँ पर है अपोनेंट की आर्चर क्वीन, तो यहाँ पर हम डालेंगे अपने विचिस। चलिए बढ़ते हैं लाइव अटैक की तरफ। चलिए वॉल ब्रेकर्स ने वॉल तोड़ दिया, अब यहाँ पर डाल देंगे गोलम। बस हमारी आर्चर क्वीन एक बार ये इन्फर्नो डाउन कर दे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर डाल देते जंप स्पेल, यहाँ पर 3 इंडन टेस्ट ला दे तो फ्रीज यूज कर लेते। एक फ्रीज जो है वो सिंगल इन्फर्नो के लिए बचा के रखा है। चलिए अब सब आर्चर क्वीन के ऊपर है, और इसी के साथ आर्चर क्वीन डाउन हो चुकी है। फिर से एक इन्फर्नो जो है वो बच चुका है।
वी अटैक भी लास्ट अटैक की तरह फेल हो गया, यानी कि हम 3 स्टार नहीं कर पाए, लेकिन 2 स्टार तो कर ही लिया है। बहुत ही फास्ट अगर हमारे अटैक फेल्स हो रहे हैं यहाँ पर। एक पहले भी एक अटैक TS9 वर्सेस TS10 अटैक जो किया वो 99% पर फेल हुआ, अब ये अटैक देखते हैं कितने परसेंट पर फेल होता है। यहाँ पर ट्वेंटी सेकेंड्स बचे हैं, यहाँ पर थर्टीन सेकेंड्स, टेन, नाइन, एट, ये भी मेरे हिसाब से सेम होने वाला है 99% पर फेल। देखिए एज प्रिडिक्टेड यही हो रहा है 99% पर, और एक अटैक यहाँ पर फेल होता हुआ, पर फिर भी हमें गर्व है क्योंकि TS9 वर्सेस TS10 अटैक था ये भी। चलिए अब ऑलमोस्ट सारी आईडीज के अटैक खत्म हो चुके हैं, सो अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में CWL रिजल्ट्स के साथ। उसमें मेडल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी आपको बताऊंगा कैसे मेडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, CWL एडिंग के रूल्स, कितने किसको किसने मेडल्स मिलते हैं वो उस हिसाब से, और कब कितने मेडल्स मिलेंगे, सारे इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून गाइस, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 3rd पोजीशन पर हम पहुँच चुके हैं, और ये वार हम हारने वाले हैं तो इसलिए एक्स्ट्रा 10 स्टार नहीं मिलेंगे, और ये जो दोनों क्लैन है वो जीतने वाली वॉर्स खेल रहे हैं, तो इसलिए हमें उनसे एक्स्ट्रा 10 स्टार चाहिए होंगे क्योंकि हमें 3rd पोजीशन मेंटेन करना हो। तो यहाँ पर इनके 402 स्टार्स है, तो हमें करने होंगे 412 स्टार्स, यानी कि और 3 स्टार चाहिए। तो अभी कई प्लेयर्स के अटैक बाकी है, तो ईजिली हम वो गोल अचीव कर पाएंगे यहाँ पर, और हम फाइनली 3rd पोजीशन मेंटेन कर पाएंगे हमारी। चलिए फिर अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपने नहीं देखी तो पूरी सीरीज़ आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, क्लैश विद अवेस CWL करके पूरी प्लेलिस्ट है, आप कभी भी देख सकते हैं ये वीडियोज़। चलिए अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय गाइज़।